वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम उत्कर्ष, मैं रहता हूं भाई पोलैंड में। एंड इन केस इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो गाइस, बहुत ही खुशी का दिन है, और खुशी का दिन इसलिए बिकॉज फाइनली मेरे पास आ चुका है एप्पल का जो नया हेडफोन एयरपॉड मैक्स, जो कल ही रिलीज हुआ आई थिंक। टाइम सोच रहा था कि एप्पल के हेडफोन्स लेने का, बिकॉज अभी मैं इंडिया ट्रैवल भी करने वाला हूँ, या फिर कहीं इधर उधर भी ट्रैवल करता हूँ ना, पोलैंड में या फिर यूरोप में कहीं। 4-5 साल से नॉर्मल एयरपॉड्स यूज कर रहा हूँ, एयरपॉड्स प्रो एप्पल का, जो कि काफी सही है भाई। बट मेरे को लगा टाइम आ गया अपग्रेड करने का, और नया हेडफोन एप्पल का आया तो मैं सोचा ले ही लेते हैं भाई। ठीक, तो कहते फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत ही महंगा हेडफोन है भाई, ठीक है। मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप ये लो एज अ स्टूडेंट, या फिर अगर आपको शौक है तो आप ले सकते हो। अगर फाइनली अनबॉक्सिंग करते हैं भाई। बाहर से बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है भाई, मेरा नाम एड्रेस वगैरह तो छुपा दिया मैंने, तो इसको ओ ओ ओ ओ ओ माय गॉड। तो गाइस वाओ, ये क्या लग रहा है भाई। तो गाइस ये है इसका, मेरे को लग रहा था हेडफोन बहुत भारी होगा, पर ये जो पैकिंग है ना वो उससे भारी लग रहा है हेडफोन से भी। ऐसे कुछ पैकिंग दिखती है बाहर से, डब्बा तो काफी ऐसे प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे एप्पल का लोगो भी होगा, देखो बस इसी का पैसा है भाई एप्पल लोगो का। पीछे लिखा हुआ है एयरपॉड मैक्स। एंड दिस इज द टाइप सी, तो ये है भाई। और आपको पता ही एप्पल के प्रोडक्ट्स की बहुत सिंपल होती है अनबॉक्सिंग, तो करते हैं अनबॉक्सिंग यार, वेट नहीं हो रहा। ये इधर खुल गया, वाओ, ओह माय गॉड। पता नहीं गाइस आपको समझ रहा है कि नहीं, पर क्या हेडफोन है भाई। तो ऐसा कुछ दिखता है, ओह माय गॉड। ऊपर ऐसा एक मेश लगा हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कैनोपी नेट जो भी है। ओह माय गॉड, दिस इज हैवी, मतलब भारी है भाई। और फिर अंदर आपको पता ही है क्या मिलेगा, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, स्टिकर वगैरह तो होंगे नहीं। इधर लिखा हुआ है एयरपॉड मैक्स, ऐसे कुछ भाई गारंटी पैम्पलेट ये सब है, कुछ भी नहीं है। और साथ में आपको मिलता है एक भाई यूएसबी टाइप सी चार्जर। इनको एप्पल को ना यूएसबी सी करना पड़ा बिकॉज ऑफ यूरोपियन यूनियन लॉ, अदरवाइज आई डोंट थिंक एप्पल वाज प्लानिंग टू स्विच फ्रॉम लाइटनिंग टू यूएसबी सी। तो बॉक्स रखते हैं साइड में। तो गाइस ये है भाई एयरपॉड मैक्स, ये इसके अंदर केस है, अभी केस भी ओपन करते हैं आपको दिखाते हैं। पर ये थोड़ा ऐसे पर्स टाइप का क्यों लग रहा है, ऐसे होता है ना फीमेल लेडीज का हैंड बैग। वैसी फीलिंग आ रही। तो इसको भी हम इसको कैसे खोलते हैं भाई, आई डोंट नो हाउ टू ओपन दिस, बट तो ये ऐसा गाइस खुल जाएगा। रबड़ वाली फीलिंग क्यों आ रही है भाई, चाइना से आया गया ये। ऐसा लग रहा है जो फ्रेश पेंट नहीं होता है वैसी कुछ स्मेल आ रही है। ठीक है, स्मेल्स नाइस, मतलब ठीक है, थोड़ा वेयर्ड स्मेल है, पर इट्स ओके। ये इसका कवर, आपको कवर निकालते हैं। तो देखो अभी एयरपोर्ट रखते हैं साइड में। तो क्या आपको पहले कवर दिखाते हैं भाई, अंदर थोड़ी ऐसे स्वेड सॉफ्ट सी नहीं होती है, वो क्या बोलते हैं सॉफ्ट सी लाइनिंग अंदर, ताकि आपके हेडफोन क्रैश ना हो। एंड स्मेल्स वेरी वियर्ड गाइस, एप्पल इसको स्मार्ट केस बोलता है, मैं बोलूंगा ये क्या यार रबड़ का, पता नहीं क्या लग रहा है ये। और ऐसे यहाँ मैग्नेट भी है, तो ऐसे बंद हो जाता है भाई। ठीक है, इस पर कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं होगी आपके, ऊपर नीचे आपका हेडफोन पूरा एक्सपोज है। बट दिस एप्पल, तो एप्पल को जो करना है वो करेगा भाई। और ये देखिए गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। एंड गाइस दिस इज मिडनाइट ब्लू, ये मेरे को ब्लू नहीं ये ब्लैक लग रहा है भाई, इट लुक्स अ बिट ब्लैक, आई डोंट थिंक इट लुक्स ब्लू। भाई सामने ऐसे कवर लगा हुआ है, तो इसको भी निकालते हैं। ठीक है, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। पता नहीं गाइस आपको समझ रहा है कि नहीं, पर आप लोग थोड़ा क्लोजअप व्यू भी देख सकते हो। और गाइस यहाँ ऊपर उन्होंने स्टेनलेस स्टील का ये ऐसा दिया हुआ है एडजस्ट, क्या बोलते हैं इसको, हेडफोन एडजस्ट करने का, जो भी भाई एप्पल फ्लेक्स कर रहा था कि स्टेनलेस स्टील है। तो गाइस मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आई एम नॉट अ टेक रिव्यूअर, ठीक है, तब भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो दिस फील्स वेरी प्रीमियम, मतलब पैसे लगे ना 60,000 तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, एंड गाइस वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हेडफोन इज कि आप ये कुशन ऐसे रिमूव कर सकते हो, ताकि आपको अगर अंदर भाई सफाई वफाई करनी है, या फिर बहुत साल यूज कर रहे हो हेडफोन थोड़े पुराने हो गए, वो चेंज वगैरह कर सकते हो। पर गाइस ये भी महंगा आता है, तो समझ रहे हो ना एप्पल इज। गाइस पहला इंप्रेशन इसको पहनते हैं और देखते हैं भाई हाउ इट फील्स। ओ माय गॉड, मतलब गाइस लिटरली आई कैन नॉट हियर माई सेल्फ, मैंने अभी ऑन भी नहीं करा है, आई हैवन्ट कनेक्टेड टू माई आईफोन, पर तब भी मैंने से लग रहा है कि आई एम इन अ वैक्यूम स्पेस, मतलब नॉइस कैंसिलेशन अभी से एक्टिवेट हो गया क्या भाई, मतलब क्या सी, ओ माई गॉड आई एम इम्प्रेस, आई एम इम्प्रेस। तो गाइस मेरे को अभी तक ना कलर समझ नहीं आ रहा है कि दिस इज ब्लू और ब्लैक, बिकॉज अगर लाइट पड़ रही है तो थोड़ा ब्लू लग रहा है, और ऐसे लाइट नहीं पड़ रही है तो इट लुक्स
प्रीटी ब्लैक. पता नहीं यार, लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे इसको पेयर करना है. तो पेयर करने के लिए यू हैव टू प्रेस दिस बटन. यहाँ पे एक नॉइस कैंसिलेशन का बटन है. इस बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक ब्लिंकर है नीचे, लाइट. तो लाइट ब्लिंक होगी. अब मेरे फोन पे आ गया नॉट योर एयरपॉड मैक्स. देखो यहाँ बोल रहे हैं होल्ड बटन. ठीक है भाई, होल्ड बटन कर दिया. अब क्या होगा? एयरपॉड मैक्स कनेक्टिंग. तो भाई कनेक्ट हो रहा है. तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है कनेक्ट होने में. दिस इज द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट एप्पल प्रोडक्ट्स, बेबीज एयरपॉड मैक्स. पता नहीं सीरी ने मेरा नाम बेबी क्यों सेट कर दिया भाई. वाओ भाई, मतलब मेरे को अपनी आवाज नहीं आ रही भाई. आई कैन नॉट हियर माई सेल्फ. यू सेड दैट विल ऑलवेज बी होल्ड, सेड यू फॉलो मी एनीवेयर. But yo, I gotta learn how to love without you. I gotta feel my. Oh my god, guys. Oh my god. Wow. मतलब guys, literally क्या experience है भाई. Oh my god. I love the bass. आप bass सुन सकते हो. You can see the lows, highs, mids. मतलब मेरे को उतना पता नहीं है. I don't know much about music or audio production. But इसमें सब कुछ सुनाई दे रहा है भाई. You can hear all the instruments. बहुत ही punchy sound है. And the best part is the noise cancellation. AirPod Max has the best noise cancellation in the market. थोड़ा महंगा है. And you can definitely feel the weight. पर ऐसा हो रहा है ना कि the weight distribution, आप जब इसको पहनते हो, I think this AirPod weighs like 400-500 grams. पर आप इसको जब पहनते हो ना, तो जो weight distribution है, this is very good. तो आपको उतना weight पता नहीं चल रहा है कि आप सर पे भाई 400-500 ग्राम का कुछ हेडफोन वगैरह पहने हुए हो. राइट, इट्स डेफिनेटली हैवी बिकॉज एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील और पता नहीं क्या क्या यूज किया गया है इसको बनाने में. एंड गाइस, द थिंग व्हिच आई डोंट लाइक अबाउट दिस एयरपॉड मैक्स वो है कि अगर आपको इसको लो पावर मोड पे डालना है या फिर स्लीपिंग मोड जो भी बोल लो यार. सो गाइस, ये जो यहाँ पे क्राउन है, जैसा कि भाई एप्पल वॉच में होता है, तो आप इससे भाई चेंज कर सकते हो. यू कैन स्क्रॉल डाउन, यू कैन चेंज द म्यूजिक, ये सब. पर इसमें कोई पावर बटन नहीं है. तो अगर आपको इसको स्विच ऑफ करना है लाइक अदर नॉर्मल हेडफोन, तो द ओनली वे इज यू हैव टू कीप दिस इन दिस स्मार्ट केस. आप जो स्मार्ट केस में ऐसे डाल दोगे तो फिर ये स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब स्लीप मोड या लो पावर मोड जो भी बोल लो उसमें चला जाएगा. राइट, तो दिस इज ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक. बाकी सब बढ़िया है. एंड गाइस, वन ऑफ द रीजंस आई बॉट दिस न्यू एयरपॉड मैक्स न्यू एप्पल हेडफोन्स बिकॉज मैं यूज कर रहा था एयरपॉड्स प्रो फ्रॉम 2019. राइट, तो अभी तक ठीक चल रहा है. दिस इज स्मॉल कान में लगाने वाला. पर दिस हैज फ्यू प्रॉब्लम्स. पहला प्रॉब्लम है कि भाई अब 4-5 साल होने जा रहा है, तो इसकी जो बैटरी लाइफ है ना, मैं इसको एक बार चार्ज करूंगा तो आई कैन ओनली हेयर फॉर लाइक 1 आवर लेट्स से और 2 आवर्स मैक्स. उसके बाद भाई बैटरी डाउन. ठीक है, और दूसरी बात, कभी कभी इट हैज सम कनेक्टिंग इश्यूज व्हेन आई यूज द एयरपॉड्स. तो ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं उसको, लाइक हिसिंग साउंड आता है, लाइक हमिंग साउंड. राइट, अगर मैंने परचेज करा था 2019 में और भाई 4-5 साल चल गए, तो काफी चल गया भाई. और ऐसा नहीं मैं इसको फेंक दूंगा, आई विल स्टिल यूज इट. मैं सोचा अपग्रेड कर लेते हैं. अब एयरपॉड मैक्स यूज करने का टाइम आ गया है, प्रीमियम एप्पल हेडफोन्स. ये मेरे को पड़ा अराउंड 2500 समथिंग पोलिस लॉटी, जो भाई 50-60 हज़ार इंडियन रुपीज में बनते हैं. ठीक है, बहुत लोग सोचेंगे तो मैं सोचा बताई दूं. एंड गाइस, लिटरली आई वाज कंफ्यूज कि कौन सा हेडफोन लूं. आई वाज थिंकिंग टू गो फॉर सोनी MX5 या MX6, पता नहीं क्या मॉडल है उनका, द हाई एंड. गाइस, सीन ऐसा हो गया कि आई एम द विक्टिम ऑफ एप्पल इकोसिस्टम, क्या बोलते हैं, विक्टिम या जो भी, बिकॉज आई हैव आईफोन, आई हैव एप्पल वॉच, आई हैव एयरपॉड्स, आई हैव नाउ एप्पल हेडफोन्स, आई हैव मैकबुक, आई हैव आईपैड. तो एप्पल के इतने सारे चीज है ना, तो मैं बोला यार हेडफोन्स भी लेना है, तो अब एप्पल का ले लेते हैं टू बी इन द इकोसिस्टम. बिकॉज बेस्ट पार्ट ये ना, जैसे अभी मैं अपने फोन पे यूज कर रहा हूँ. राइट, आई विल कनेक्ट द एयरपॉड्स टू द फोन. और फिर मैं अगर मैकबुक यूज करने लूंगा टू एडिट वीडियोज, बिकॉज यू नो आई एडिट वीडियोज. राइट, तो भाई सीमलेसली स्विच हो जाएगा, द ऑडियो विल स्विच. समझ रहे हो ना, बार बार वो कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और फिर seamlessly, flawlessly connect ho jata hai. So this was also one of the reasons I bought AirPod Max. So guys, that's pretty much for the video. I really hope you enjoyed this unboxing ya jo bhi vlog. I'm not a tech YouTuber, but maine pura try kiya bhai aapko jo bhi apne se ho sake wo gyan de dun ya jo bhi hai cheezein, samajh rahe ho na yaar. तो ठीक है, ऐसे अनबॉक्सिंग चलते रहेगी. तो गाइस, आगे पोलैंड से रिलेटेड वर्क परमिट, स्टडी परमिट, जो सब पे ब्लॉग्स रेगुलरली आते रहेंगे जैसे आ रहे थे. तो गाइस, आप थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से 1 लाख कराते हैं सब्सक्राइबर. एंड आई थैंक यू एंड अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आप लोग वैसे भाई मैं कुछ कुछ चीजें ऐसे अफोर्ड कर पा रहा हूँ. राइट, ऐसा नहीं कि मैंने यूट्यूब मनी से लिया है, आई हैव ऑल्सो पुट माई ओन मनी. तो ये दवाई चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल फ्रॉम पोलैंड, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करो भाई, मिलते हैं. बाय बाय, पीस पीस.